कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए शिक्षा धाम को और करें अपने 11th, 12th एंड बीकॉम क्लासेस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या रखें? रखे कह रहा हूँ, है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर ये एग्ज़ाम में कितने नंबर का आता है? तो ये मैक्सिमम नंबर 15 का या फिर कई बार ये 10 मार्क्स का भी पूछा जा चुका है। इसके अंदर ऑप्शन में यही चैप्टर रहेगा कैश फ्लो में। यानी कैश फ्लो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर आना पक्का है, ठीक है ना? तो ये चैप्टर हमारा कैश फ्लो, तो हम इसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे अच्छे से। अब सबसे पहले बात करना है हमें कि कैश फ्लो जो होता है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कैश फ्लो की चलाने की जिम्मेदारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड की है, जो कि अब ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बदलता जा रहा है। धीरे धीरे देखोगे ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, बदल रहा है। इंडीएस में जा रहा है, बुक के अंदर देखोगे तो कई जगह पे इंडीएस लिखा होगा, ठीक है ना? इंडीएस क्या नंबर लिखा हुआ है? 7। इंडीएस कहाँ चला गया? 7। तो हमें इसमें जाना नहीं है कि कहाँ कहाँ है। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है, सर जो अभी अभी रिसेंटली हमने 12th में किया था, क्या वैसा ही है? तो जवाब है कि बिल्कुल हाँ वैसा ही है। इसमें सारे एडवांस एडजस्टमेंट आ जाएंगे, जो 12th लेवल पे आपने नहीं किए थे वो सब भी इसमें आ जाएगा, समझे बात? तो चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए ना, सबसे पहले ये बनाया क्यों गया और ये चैप्टर बना क्यों है कैश फ्लो स्टेटमेंट, समझिएगा बात। मैं आपके सामने एक P&L बनाता हूँ, और पता है क्या, हम अकाउंटेंट हैं, हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। मालिक तो ऐसे ऐसे होते हैं ऑनर, जिनको बहुत जानकारी हो भी सकती है और बहुत जानकारी नहीं भी हो सकती, दोनों तरीके के मालिक हैं, है ना? अब जैसे सपोज करो मैं इधर लिखता हूँ बाय साइड में, आप मुझे भी जवाब देना, बाय नेट प्रॉफिट मैंने लिखा 1,00,000, समझे? बाय साइड में लिखा 1,00,000, और 2 मैंने लिखा सैलरी, मान लेते हैं 10,000, ये P&L बना रहा हूँ मैं, और 2 साइड में लिखा मैंने डेप्रिसिएशन 20,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या आएगा? 1,00,000। 1,00,000 तो आप बोलोगे सर यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो आएगा वो 70,000 रुपये आ जाएगा, कोई डाउट? 70,000 रुपये का आपका नेट प्रॉफिट आया। लेकिन ऑनर जब चेक करने गया ना अपने पॉकेट में, क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज़ पता होता है कि जितना प्रॉफिट कमाया है उतना ही तो पैसा हमारे जेब में होगा एक्स्ट्रा। लेकिन पैसा जेब में होना, पॉकेट में होना और प्रॉफिट दोनों डिफरेंट थिंग है, वो ये चैप्टर बताता है हमें। क्योंकि हमारे पास कितने 70 है, आप पॉकेट में चेक करोगे ना तो आपको 70 नहीं मिलेगा, तो सर कितने मिलेंगे? आपके पॉकेट में आपको मिलेगा 80। मालिक ने अकाउंटेंट को बोला भाई इधर आ, कितना प्रॉफिट आया? उसने बोला 70। मालिक ने पॉकेट से पैसे निकाले, कि बोला ये तो 80,000 है, तू तो गलत अकाउंटेंट है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं। अब बताओ अकाउंटेंट गलत है ये? नहीं है। अब मालिक को क्या पता क्या चीज़ें एक्चुअल है? तो यहाँ देखा गया कि सर ये जो 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है ना, सॉरी 80 भी नहीं 90, पॉकेट में कितना मिला 90। तो यहाँ पे समझाया गया कि सर जो 20,000 रुपये का आपने डेप्रिसिएशन हमने लगाया है P&L में, उससे प्रॉफिट तो हमारा कम हो गया, लेकिन उसके बदले हमने पैसे किसी को दिए ही नहीं। आप तो पैसे गिन रहे हो जेब से, जब आप पैसे गिन रहे हो 1,00,000, तो आपने पैसे तो 10 को ही बांटे हैं, इसके बदले कहाँ किसी को पैसे दिए। लेकिन ये खर्चा होता है सर, इसे P&L में दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया हमारे पैसे के बीच में और किसके बीच में, प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस आ गया, नहीं आ गया? प्रॉफिट 70 और जेब में 90। तो इससे बहुत सारे ऑनर क्या होने लग गए, परेशान होने लग गए, यार प्रॉफिट कुछ और आता है, पैसा कुछ और पड़ा होता है, तो बड़ी समस्या वाली बात है। तो इस समस्या को निपटाने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया गया, जिसके अंदर बताया गया कि इस कारण से आपके पॉकेट में इतना पैसा है
और इस कारण से नेट प्रॉफिट इतने का है। अगर मैं मालिक को समझा दूं इसी तरीके से कि 20,000 में डेप्रिसिएशन नहीं होता रोल, तो बताओ मालिक को समझ में आ जाएगा। तो इसको समझाने के लिए एक स्टेटमेंट हमें बनाना पड़ा जिसको बोला गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मतलब हम उन्हीं बातों के बारे में मालिक को बताएंगे जिसमें पैसा इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है। तो इसलिए इस चैप्टर को बनाया गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहले सबसे पहले पर्पस समझ में आया ये चैप्टर क्यों बन रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते थे? सो दैट के हमारा बैंक का बैलेंस और पास कैश बुक का बैलेंस डिफर होता था, तो मालिक को समझाने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते थे। यहाँ पे ऐसे ही हमारा प्रॉफिट का बैलेंस और कैश का बैलेंस हर बार अलग होगा, तो हम ऑनर को समझाने के लिए बनाएंगे। बताइए, चलिए सर, इसके अंदर हम किन किन बातों का डिस्कशन करेंगे? तो पहले तो हमें थीम समझ में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी। यहाँ पे हमें समझने के लिए बड़े डिटेल में, वैसे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेथड्स दो हैं सर, कौन कौन से मेथड है? एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। लेकिन हम इनडायरेक्ट मेथड करेंगे। प्रिया गुप्ता, अगर किसी को कोई दिक्कत हो ना, अभी मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, अभी हैंड रेज आया था, तो किसी को दिक्कत होगा ना तो मैं खुद ही बोलूँगा, हैंड रेज करके पूछ लेना। अभी पूरा कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, न्यू चैप्टर है, कुछ जो बच्चे नए जुड़े बिल्कुल न्यू चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको बनाने के लिए यानी आपको स्टडी करना होगा। क्या बनाना है आपने? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सर स्टडी करना होगा मतलब समझे नहीं, आपको स्टडी किन किन बातों का करना होगा? इधर देखिए, आपको स्टडी करना होगा। स्टडी का मतलब एक आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टडी, एक आपको बैलेंस शीट को स्टडी। मैं पुरानी वाली बैलेंस शीट बना के चलूंगा सो दैट के जल्दी से मैं बना पाऊं और आपको समझा दूं मैं, ठीक है? यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो इन दोनों के मदद से ही बनाना है। एक आपको P&L से हेल्प लेना पड़ेगा और एक बैलेंस शीट। P&L में क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा, बाय नेट प्रॉफिट, मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिख देता हूँ P&L में, ठीक है? मान लेते हैं 1,00,000, और इस साइड क्या क्या हो सकता है? सैलरी हो सकता है 10,000, और क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन हो सकता है 5,000 मान लेते हैं, और क्या हो सकता है? और भी बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं, लॉस हो सकता है 5,000 रुपये। तो बहुत सारे अनेकों प्रकार के खर्चे यहाँ होते हैं, मैं सारे खर्चे थोड़ी लिखूंगा यहाँ। मैं आपको P&L बनाना नहीं सिखा रहा, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ कि अभी रिसेंटली P&L आपने तो बनाया ही अभी, है ना? और बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? बैलेंस शीट में होता है शेयर कैपिटल, और बैलेंस शीट में क्या होता है सर? बैलेंस शीट में होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में क्या होता है? करंट लाइबिलिटी। तो हर बच्चे को पता चल गया होगा सर शेयर कैपिटल क्या है, नॉन करंट, तीन ही हेडिंग था ना मेन हेडिंग। और एसेट्स में क्या होता है? एसेट्स में होता है हमारा फिक्स एसेट्स, और एक होता है हमारा करंट एसेट्स। यही तो बातें हैं, एक और बीच में ऐड कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा एक और ऐड कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट। ये है बैलेंस शीट की जानकारी। तो सर इन सारी जानकारी को करने के लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो इसके नॉलेज को हम देखेंगे। यानी यहां पे तीन तरीके का एक्टिविटी होता है आपका। सर ये तो पता है हमें, आपको पता था तीन तरीके का एक्टिविटी, 12th क्लास में तो आपने पढ़ा ही है तीन तरीके का एक्टिविटी। कौन कौन सा होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी समझेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनता है, पहले तीनों एक्टिविटी लिख ले। एक है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सर एक है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
तो हमारे तीन एक्टिविटी है और तीनों एक्टिविटी को समझना है हमें, ठीक है ना। एक एक करके समझते हैं तीनों एक्टिविटी को। फर्स्ट एक्टिविटी कौन सा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आप मुझे बताइएगा ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग। अगर मैं आपसे पूछूं ना ऑपरेटिंग का मतलब, तो सर जवाब है ऑपरेटिंग का मतलब चलाना। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? चलाना किसी चीज को। तो बिजनेस को चलाने के लिए एक तो P&L जरूरत है, ठीक है। वैसे तो हर चीजें जरूरत है, लेकिन चलाने का मतलब जो डेली यूज हो रहा है। तो एक तो P&L के अंदर के आइटम के इंफॉर्मेशन डेली यूज होता है, सैलरी मतलब के साल में रेगुलर होता रहता है, सेल्स भी होगा हर बार, परचेज भी होगा हर बार, सैलरी भी दिया जाएगा, रेंट भी दिया जाएगा रेगुलर। और इसके अंदर देखा जाए रेगुलर क्या होता है बताओ, जो कि रेगुलर होता रहता है बताओ इसके अंदर बैलेंस शीट में से। तो P&L में तो सभी आइटम, एसेट्स में से बताओ जो कि रेगुलर फटाफट होता रहता है। तो अगर एसेट्स में से पूछूं तो आप क्या बताओगे बताओ, दिमाग लगाओ, जो कि फ्रिक्वेंटली होता हो। क्या फिक्स एसेट्स फ्रिक्वेंटली चेंज होता है? नहीं। तो ये ऑपरेट नहीं हो रहा, ऑपरेटिंग नहीं है। क्या इन्वेस्टमेंट चेंज होता है? नहीं। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो दो ही चीज ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, एक करंट एसेट्स और एक करंट लाइबिलिटी, यानी करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स। और जो PL है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है, इसके अंदर सारे आइटम लगभग लगभग वही होते हैं जो कि साल में बदलता रहता है। तो सेम सी बात है, ऑपरेटिंग का मतलब है जिस इंफॉर्मेशन में पूरे दौरान साल के चेंज आता रहता है फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली, उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट मानेंगे। तो अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना है तो एक तो P&L को पूरा ध्यान में रखना है और दूसरा बैलेंस शीट को भी ध्यान में रखना है। लेकिन बैलेंस शीट में से किन आइटम को ध्यान में रखना है? सिर्फ सिर्फ करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स। यानी सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हमें बनाना सीखना है तो हमें जो है, एक तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम आज के टाइम पे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं वो, दूसरा हमें करंट एसेट, तीसरा हमें क्या ध्यान में रखना है, करंट लाइबिलिटी। अभी जितनी बातें कर रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का भी कुछ हिस्सा ध्यान में रखना होता है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे। अब शेयर कैपिटल का एक हिस्सा जो होता है ना, इसके अंदर शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर फंड बोल दे, तो नेट प्रॉफिट भी इसी का हिस्सा होता है शेयर होल्डर फंड का। यह भी फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, हर साल होता है ना चेंज। तो एक शेयर कैपिटल, तो नेट प्रॉफिट को हम बाद में देखेंगे। सर प्रॉफिट एंड लॉस में से ऐसा क्या क्या करें? तो सर हम जब स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो कोई भी स्टेटमेंट हो, या तो उस स्टेटमेंट के अंदर आप कुछ चीज़ों को जोड़ देते हो या कुछ चीज़ों को घटा देते हो, दो ही बातें होती हैं। तो जब स्टेटमेंट बनाओगे तो स्टेटमेंट में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आइटम देखने को मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट आइटम कौन कौन से देखने को मिलेंगे? एक तो मिलेगा आपका नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम कौन सा है? देखो आपके सामने P&L, डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश आइटम है। और लॉस क्या है, ये भी नॉन कैश आइटम है, क्योंकि लॉस में क्या किसी को पैसे देते हो आप? नहीं देते, तो ये भी नॉन कैश आइटम। तो ये हमारे P&L में दिख तो रहा है, खर्चा तो है, लेकिन इससे हमारे कैश पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा। तो बोला गया कि नॉन कैश आइटम को आप क्या करिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते टाइम पे आप ध्यान रखिए, क्या कर लीजिए उसे, ऐड करिए। ऐड मतलब प्लस। नॉन कैश आइटम को क्या करना है आपने? प्लस करना है। सर एग्जांपल क्या क्या है नॉन कैश आइटम का? नॉन कैश आइटम का अगर मेरे से एग्जांपल पूछो तो मैं कुछ एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना। नॉन कैश आइटम का एग्जांपल है डेप्रिसिएशन, नंबर दो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नंबर तीन आपका गुडविल, रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कम हो जाना, रिटर्न ऑफ नंबर चार, गुडविल रिटर्न ऑफ के बाद सर और क्या होता है?
और होता है इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। अब देखो जनरल रिजर्व बढ़ गया, पहले हमारा जनरल रिजर्व 1 लाख था, अब जनरल रिजर्व 1.5 लाख हो गया, तो प्रॉफिट तो निकाल के रखा है। जनरल रिजर्व पहले 1 लाख था, अब कितना हो गया, तो प्रॉफिट ही तो निकाल के रखा है। जब प्रॉफिट निकाल के रखा है तो उस केस के अंदर क्या कहीं हमारा बिजनेस से बाहर कैश वगैरह का कुछ हुआ नहीं हुआ, फिर भी हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम। और कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। तो ये कुछ एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेस वगैरह, तो मैं लिखूंगा अभी के लिए ये एग्जांपल है आपके, जो कि कौन सा आइटम है, नॉन कैश आइटम, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डील करना है। और क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड। लॉजिक रीजन पता क्यों, क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट को तो कम करता है लेकिन कैश इनफ्लो नहीं होता, ना ही आउटफ्लो होता है। बैड डेट्स भी आ जाएगा क्योंकि बैड डेट्स के अंदर भी पैसा नहीं जाता, तो हम उसके डिस्कस करेंगे एक एक करके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल सबके लिए मैंने एक एडजस्टमेंट करवाना है आपने, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चैप्टर हर एक चीज को हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, और सर पीएनएल में से कुछ चीजें छांट के निकालना है क्या, बिल्कुल पीएनएल के अंदर अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, ऐसा एक्सपेंस एक्सपेंस रिलेटेड रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऐसे खर्चे जो कि हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए तो बता दिया इन बातों को ध्यान रखना है, लेकिन ये तो बता दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताने के लिए किसको ध्यान रखना है, क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए पी एंड एल का यूज करेंगे, वो तो पहले ही यूज हो गया, अब हमारे पास जो बचा है उसी का तो यूज करेंगे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए सिर्फ इन दोनों का यूज होगा और किसी चीज का नहीं। अब बता दो खुद ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए किसका यूज होगा, देखो फाइनेंसिंग के लिए क्या पी एंड एल का यूज होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि ये यूज हो गया, कहाँ यूज हुआ, क्या करंट लाइबिलिटी का होगा, नहीं होगा, कहाँ यूज हो गया, करंट एसेट्स का, फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि कहाँ यूज हो गया, तो बचा क्या, ये हमारा किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग से, सिंपल से, पूरे बैलेंस शीट को अच्छे से यूज कर लिया हमने, तो इस तरीके से है। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि हम पी एंड एल में पुट कर देते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन या फिर मान लेते हैं डिविडेंड, मैंने कहां यूज कर लिया, डिविडेंड, डिविडेंड कहां पहुंच गया पी एंड एल में, और पी एंड एल को कंसीडर कर रहे हैं ऑपरेटिंग से, लेकिन ये डिविडेंड जो असलियत में देखा जाए तो किससे कनेक्टेड है, इसी से रिलेटेड है ना, शेयर से ही रिलेटेड होता है डिविडेंड। तो ये डिविडेंड अगर हमने पी एंड, अगर कोई भी ऐसा खर्चा जो कि इससे रिलेटेड होता है, सर इससे रिलेटेड क्या खर्चा होगा, ऑलवेज खर्चा ही होगा, जैसे डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, तो हम पी एंड एल के डेबिट में दिखा देते हैं, तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट तो है, लेकिन हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को अलग से कैटेगराइज कर दिया है ना, इसलिए क्या करते हैं, हम पी एंड एल में से हटा के फाइनेंसिंग में दिखा देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, एक्सपेंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब शेयर कैपिटल से रिलेटेड या नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड, हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड इन, हमेशा नेट प्रॉफिट में ऐड होता है, तो मैं लिख भी देता हूं ऐड इन नेट प्रॉफिट। और सर जो ये ऐड इन नेट प्रॉफिट किया है एक्सपेंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो क्या जितने भी खर्चे होंगे सारे होंगे, बिल्कुल सारे एक्सपेंस जो होंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ऐड हो जाएगा किसमें जाके, नेट प्रॉफिट। जब मैं पूरा फॉर्मेट बताऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, अभी फिर मोटी मोटी बातों को हम माइंड में कंसीडर करते हैं। अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट ऑन लोन किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, तो आप बताना सर इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसके ऊपर लोज स्टार भी बना देते हैं, इसके ऊपर हमेशा एडजस्टमेंट रहेगा। सर क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, एग्जाम्पल बता दो, डिविडेंड हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल और हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों बातें जो कि ऐसे खर्चे हैं जो कि रिलेट किससे कर रहा है, दिमाग लगाओ, फाइनेंसिंग, इसलिए इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है।
अगले पॉइंट पे चलते हैं सर, और भी कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि बिल्कुल थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पे, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ करंट एसेट्स को थोड़ा उधर, इसमें ज़्यादा काम है नहीं, इसको यहाँ ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं हम। मैं करंट एसेट्स को ना CA लिख देता हूँ तो समझ जाना कि CA का मतलब क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं सर, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, अगर मैं लिखूं इंटरेस्ट रिसीव, अगर मैं लिखूं इंटरेस्ट रिसीव P&L में, तो बताइए इंटरेस्ट रिसीव किस पे किया होगा आपने? इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो वो पार्ट किसका होना चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। और तुम P&L में क्यों, P&L में क्यों दिखा रहे हो इसको? तो P&L एक अपनी जगह है, P&L में दिखा रहे हैं क्योंकि P&L में आएगा ये, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम पे ये किसके अंदर जाना चाहिए? इन्वेस्टिंग में। लेकिन क्योंकि ये P&L के अंदर बैठा हुआ है तो इसको P&L में लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे इनकम 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 रिलेटेड रिलेटेड टू किससे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, IA लिख रहा हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को, इनकम रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या कर देंगे सर? इसे करना होगा लेस करना होगा, कहां पे? नेट प्रॉफिट में से। सर ये नेट प्रॉफिट क्या है? जब हम क्वेश्चन पे आएंगे, एडजस्टमेंट पे आएंगे तो पता चलेगा। इस ये भी एडजस्टमेंट का हिस्सा रहेगा, इसलिए मैं इस पे स्टार बना देता हूं। एग्जाम्पल बता दो सर क्या क्या हो सकता है। नंबर वन रेंट रिसीव, नंबर वन रेंट रिसीव्ड हो सकता है, नंबर दो डिविडेंड डिविडेंड रिसीव हो सकता है, नंबर तीन इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, नंबर चार प्रॉफिट भी हो सकता है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। कोई समस्या यहां तक बताइए, यहां तक बताइए कोई समस्या? डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट तो भाई हमारा सेल्स से रिलेटेड है, तो डिस्काउंट क्या हमारा इससे रिलेटेड है? क्या डिस्काउंट इससे रिलेटेड है? नहीं, डिस्काउंट तो हमारा सेल परचेज से रिलेटेड, और शेयर सेल परचेज जो है वो असलियत में कहां का पार्ट है? P&L का पार्ट होता है, ट्रेडिंग का P&L का, तो उसमें कोई छिड़खानी नहीं करना। समझ में आई यहां तक बात आपको? यहाँ तक बात समझ में आई आपको? पहले बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, जो बच्चे लाइव क्लास में बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? यहाँ तक जो मैंने समझाया है वहाँ तक बताइए डाउट इसमें। चलो एक बार एक काम करना ना, मैं ये भी बता देता हूँ फिर, करंट एसेट्स मैं इसके लिए ना पॉइंट ऊपर लिख रहा हूँ सर। करंट एसेट्स क्या होता है? वो एसेट्स जो कि वन ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, और आप फाइनल अकाउंट जो बच्चा करके आ रहा है उसको अच्छे से पता है करंट एसेट्स क्या है ना। तो लेकिन यहां पे करंट एसेट्स को जब हम कंसीडर करेंगे तो इसके अंदर हमें कैश, करंट एसेट्स तो बोलना है लेकिन हम कैलकुलेशन के टाइम पे हमें एक्सेप्ट कर देना है सर। एक्सेप्ट का मतलब छोड़ देना है। क्या छोड़ना है? कैश एंड कैश इक्विलेंट, इक्विलेंट। सर ये क्या होता है? प्लीज जो बच्चे न्यू ज्वाइनिंग हो रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तो मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन पिछले चैप्टर को भी साथ के साथ आप करते जाएं, जिससे कि आपको बहुत, क्योंकि एग्जाम का टाइम इतना नहीं है तो आप पिछला फटाफट करेंगे, मैं आप सभी को गाइड भी कर दूंगा। तो करंट एसेट्स में क्या आएगा? कैश एंड कैश इक्विलेंट। सर करंट लाइबिलिटी को जब कंसीडर करेंगे ना तो एक्सेप्ट कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। सर कुछ छोड़ना है करंट लाइबिलिटी? बिल्कुल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी कर रहा हूं मैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बड़ा लिख देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। और क्या कर देंगे? कैश क्रेडिट, यानी कैश फ्लो को करते टाइम पे बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लाइबिलिटी का हिस्सा नहीं मानना है और ना ही कैश क्रेडिट को इसका हिस्सा मानना है। तो सर इसका हिस्सा अगर हम इसका नहीं मानेंगे तो किस कहां पे ले जाएंगे इसको? ये हमारा जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर।
इसके पीछे मैं लॉजिक जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट करवाऊंगा तो मैं समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपने ध्यान रखना है सर जब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। सर ये तो आपने बताया ऐड, ये भी बताया ऐड, ये भी बताया आपने लेस, लेकिन इसको क्या करें? तो सर सबसे पहले मैं बात करूं तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी डेली यूज होने वाली चीजें हैं, तो इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद होगा रेशियो में किया है तो। क्या होता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? सी ए माइनस में सी एल, करंट एसेट्स में माइनस करंट लायबिलिटी, यही होता है। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी यानी हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। तो सर इसके अंदर अगर ये डिक्रीज हो रहा हो, मैं इसके ऊपर अच्छे से डिस्कस करूंगा फॉर्मेट बनाते हैं, तो प्लस कर देते हैं। अगर ये इंक्रीज होता है तो मैं अगेन कह रहा हूं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, समझ में नहीं आ रहा छोड़ो, जब फॉर्मेट करेंगे तो हम करेंगे, बस मैं लिख रहा हूं आप लिख लेना, क्योंकि जब मैं फॉर्मेट कराऊंगा ना सब समझ में आ जाएगा क्यों लिखा था ये। अगर ये इंक्रीज हो रहा हो तो ऐड करेंगे, और अगर ये डिक्रीज हो रहा हो तो उल्टा हो जाता है सब कुछ, लेस करेंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया है, क्लियर। तो सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए इतनी सारी बातों को दिमाग में लेके चलोगे तो बहुत आसानी से आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा जो मैंने यहां लिखा है। हाँ, इसमें एडजस्टमेंट होंगे, उस एडजस्टमेंट को एक एक करके करेंगे। अब बात आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपको तो पता है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसे बोलेंगे, किससे रिलेटेड है? फिक्स्ड एसेट्स। और तो यहां पे फ्लो चेक करते हैं। अगर आपका देखो कैश फ्लो, अगर हमारे पास से पैसे जा रहा होता है ना तो माइनस हो जाता है, और पैसे जाता है ना जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो उसे बोलते हैं आउटफ्लो, और जब पैसा आ रहा होता है तो उसे प्लस करते हैं, और जब पैसा आ रहा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? इनफ्लो। तो दो बातें होती है इसके अंदर, एक आउटफ्लो एक इनफ्लो। तो अब बताओ मुझे, अगर हमारा एसेट्स इंक्रीज होगा, इंक्रीज मतलब मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, पहले एक बिल्डिंग था अब दो बिल्डिंग हो गए, तो इसमें पैसे की बात सोचना आप, क्या पैसा क्या होगा इसमें, आउटफ्लो या इनफ्लो? आउटफ्लो होगा, दैट्स वाई अगर इंक्रीज होगा तो इसको क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। दूसरा, अगर डिक्रीज होगा, डिक्रीज बिल्डिंग था बेच दिया बिल्डिंग तभी तो डिक्रीज होगा ना, तो इनफ्लो होगा, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, प्लस। यानी इसको करते टाइम पे हमें दो बातों का ध्यान रखना है, पैसा रिसीव हो रहा है या पैसा पेड कर रहे हैं, यानी इनफ्लो, और सेम कहानी आपका आ जाता है कहां, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर शेयर है तो अगर ये इंक्रीज होगा, अगर आपका इंक्रीज होता है ना लायबिलिटी तो क्या कारण होता है? अगर ये इंक्रीज होता है तो उसके कारण बताइए। सर अगर इंक्रीज होता है तो उसका एक ही कारण होगा, या तो आपने लोन लिया होगा तभी बढ़ गया होगा, या आपने शेयर्स इशू किए होंगे। अगर मैं लोन लूंगा तब भी मेरे पास पैसा तो आएगा, और अगर मैं शेयर इशू करूंगा तब भी मेरे पास पैसा आएगा। तो इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाता है, प्लस, और अगर डिक्रीज होता है तो ये माइनस। देखिए मैं अगेन कह रहा हूं आप सभी से, अगर आपको प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा तो अभी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको बड़े ही अच्छे से कवर करने वाले हैं किसके अंदर, जब पूरा फॉर्मेट करेंगे। मेरा पूरा एक दिन फॉर्मेट में जाएगा, आज तो बेसिक कंसेप्ट में जा रहा है। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूं, आप फटाफट से मुझे जवाब देना ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है। कुछ बातें पूछूं मैं, बताओ सेल्स किसका पार्ट है? सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। बताओ इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड दिमाग लगाओ, इंटरेस्ट पेड किस पे हो रहा होगा? इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट दोगे आप? मुझे 1,00,000 रुपए मेरे पास इन्वेस्टमेंट कर देना और ब्याज देते रहना हर महीने। इंटरेस्ट पेड किस पे होगा? लोन पे। लोन किससे रिलेटेड है? लोन, दिमाग लगाओ, लोन किससे रिलेटेड है? फाइनेंसिंग से रिलेटेड है ना लोन। तो लोन अगर फाइनेंसिंग रिलेटेड से, तो उस पर होने वाला इंटरेस्ट हो चाहे कोई भी उससे रिलेटेड चीज हो, वो किससे रिलेटेड होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मैं बोलता हूं सपोज डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग का पार्ट है, परचेज, दिमाग लगाओ, ये रहा आपके सामने, यहां दिमाग लगाओ, परचेज किसका पार्ट है? परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स की बात कर रहा हूं, एसेट्स नहीं। रॉ मटेरियल परचेज करते हैं ना, कहां जाता है परचेज, सोचो दिमाग लगाओ, ये रहा ना आपके सामने, कहां लिखते हो परचेज आप? पी एंड एल में या बैलेंस शीट में? पी एंड एल में। तो पी एंड एल की सारी बातें कहां की पार्ट है? ऑपरेटिंग का।
समझ में आ रही बात आपको? P&L के अंदर सारी बातें जो भी होगी वो किसका पार्ट होगा? ऑपरेटिंग का होगा। लेकिन अगर ऐसी कोई बातें लिखी है जो कि रिलेट करता है इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, तो उसको वहां पहुंचा देंगे। जैसे रेंट रिसीव, हमें किराया मिला है तो किराया किस पे मिला होगा? किराया मिला होगा किस पे हमें? इन्वेस्टमेंट, कहीं मैंने बिल्डिंग वगैरह लगाया होगा तो उस पर किराया मिला होगा। तो जब हम बात करें किराए की बात, हमें अगर इंटरेस्ट रिसीव की हम बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव भले ही P&L में आता है या रेंट रिसीव भले ही P&L में आता है, लेकिन एक्चुअल में वो रिलेटेड तो इससे है ना। अगर ये इससे रिलेटेड हो गया तो किसका पार्ट होगा? इन्वेस्टिंग का। फटाफट जवाब देना, समझ में आया पूरा सिनेरियो क्या है? जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं वो भी जवाब देंगे फटाफट से। सबसे पहले मैंने बोला कि स्टेशनरी का खर्चा, बताइए किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। आप लिख सकते हो यहां पे शॉर्टकट में थोड़ा सा ओ लिख सकते हो, आई और एफ, ओ आई एफ में मैं समझ जाऊंगा। इसके बाद आपका, मैं अगले बात मैं करूं तो डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव दिमाग लगाओ कहां का पार्ट है? फाइनेंसिंग का पार्ट है, बिल्कुल सही। डिविडेंड रिसीव के बाद अब बात करते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कहां से होता है दिमाग लगाओ? शेयर से, और शेयर कहां है हमारा? फाइनेंसिंग में। इसके बाद मैंने कहा मशीनरी परचेज, ये किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद मैंने कहा मशीनरी सोल्ड, ये भी इन्वेस्टिंग, जब मशीनरी है तो ये भी किसका होगा? इन्वेस्टिंग का, बिल्कुल सही। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर मैंने कहा सपोज करो ये दो बातें तो ध्यान ही रखनी है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट हमेशा फाइनेंसिंग का मानना है। तो यहां तक मोटी मोटी बात आपको सबको समझ में आ गया। अब फटाफट से आप इसको नोट करिएगा, और आज की क्लास में मैं फॉर्मेट नहीं कराऊंगा, क्योंकि फॉर्मेट में मैं कम से कम 1.5 घंटे लूंगा अगली क्लास में। तो आज की क्लास में मैंने क्या बताया? सारा बेसिक फॉर्मेट में एक ही बार में ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक ही बार में मैं कवर करूंगा। जब मैं कुछ अभी क्वेश्चन कुछ भी नहीं कर सकते, हाँ आपके बुक में देखोगे, बुक दिखाना जरा एक बार, आप बुक में अगर ध्यान से देखोगे, अरे कैश फ्लो निकाल के दिया ना, फॉर्मेट बना रखा है बुक में। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, कहता है क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग, कैश सेल्स ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट कहां जाएगा इसे बताइए, ऑपरेटिंग में जाएगा। कैश पेमेंट ऑन सैलरी और वेजेस ऑफ एम्प्लॉय कहां जाएगा, ये ऑपरेटिंग का पार्ट है। तो क्लासिफिकेशन करना है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपने सेल्फ करना है। मैंने आज इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है आपकी किताब में, पेज नंबर है आपकी किताब का 10.32, JR मूंगा पेज नंबर 10.32, उसका मैंने आपको बेसिक इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर पाओगे, ठीक है? चलिए अच्छे से नोट करना है, नीट एंड क्लीन सारा नोट करिए, इसके बाद आगे देखते हैं।